दरवाजे पर बारात आई हो, नाच गाना और जश्न का माहौल हो, सबकी नजरें दूल्हे पर हो और अचानक एक गोली दूल्हे को ही लग जाए तो सोचिए क्या तस्वीर सामने आएगी। यह तस्वीर हरियाणा के हिसार में देखने को मिली। बारात दरवाजे पर थी, कुछ बाराती झूठी शान में फायरिंग कर रहे थे, तभी दोस्त की रिवॉल्वर से निकली गोली दूल्हे को लगी और वो जमीन पर गिर गया। सिर पर सहरा सजा है, पूरी बारात दरवाजे पर खड़ी है, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हंसी ठिठोली चल रही है, सबको इंतजार है दूल्हे के अंदर आने का, कि तभी अचानक एक गोली चलती है। गोली सीधे दूल्हे के सिर पर जाकर लगती है और दूल्हे के गिरते ही हंगामा मच जाता है। एक बारात में हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। तस्वीरें हरियाणा के हिसार की हैं, जहां गुरुवार शाम धूमधाम से यह बारात आई। बारातियों के बीच कई बंदूकधारी भी थे। जो मस्ती और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे थे। इन्हीं में से एक बाराती अपनी रिवॉल्वर लेकर दूल्हे के पास खड़ा था और इसी रिवॉल्वर से निकली गोली दूल्हे को जा लगी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, दूल्हा इसी रिवॉल्वर वाले बाराती से बात कर रहा था। बातों में दोनों इस कदर खो गए कि किसी का ध्यान उस रिवॉल्वर की ओर नहीं गया जो लोडेड था। इसी दौरान गोली चल गई जो सीधे दूल्हे के सिर की ओर गई। गोली लगते ही दूल्हा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आसपास खड़े लोगों ने उस बाराती की पिटाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। यह बारात हिसार के सैनियान मोहल्ले में आई थी। दूल्हे का नाम अमन सैनी है। हादसे से पहले रिबन काटने की रस्म चल रही थी। कैंची एक डिब्बे में बंद थी। दूल्हे का ये दोस्त जो बारात में आया था, रिवॉल्वर की बट से डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में लोडेड रिवॉल्वर से फायर हो गया और गोली दूल्हे अमन सैनी की तरफ पहुंची। गरिमत ये रही कि गोली दूल्हे के सर को छूते हुए निकली। छर्रा लगने से अमन के सर से खून निकलने लगा। उसे तुरंत ही पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में सख्ती दिखाते हुए मामले को गंभीरता से लिया है। हादसे के बाद पुलिस की टीम ने मौके का मुआयना किया और मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। नहीं, इस प्रकार की गोलियां चलाने की किसी को कानून के अनुसार किसी को कोई इजाज़त नहीं है। इस मैटर में सुराग भी हाथ लगे हैं, तो बाद में उसके जो इंजर्ड है उसके फादर के बयान के ऊपर केस रजिस्टर कर लिए। मामला हिसार के सैनियान मोहल्ले का है। हिसार के सैनियान मोहल्ले में मौजूद सैनी स्कूल में महावीर कॉलोनी निवासी कर्मजीत उर्फ अमन सैनी और सैनियान मोहल्ले की ही रहने वाली ममता सैनी की शादी थी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने दोनों परिवारों के जश्न की तैयारियों पर पानी फेर दिया। सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया। दुल्हन सज धज कर बैठी रह गई और दूल्हा अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। इस हादसे के बाद इलाके के लोगों में भी काफी दहशत है। अमन की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन ऐसे कितने अमन हैं जो झूठी शान के नशे और दिखावे की बंदूक का शिकार होते हैं। ये तमाम तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे जश्न के मौके पर बारातियों की बंदूक मातम का पैगाम लेकर आती है। कहीं दूल्हे को गोली लगती है, कहीं दुल्हन को, कहीं रिश्तेदार शिकार हो जाते हैं, तो कहीं शादी देखने वाले वो लोग जो ना तो बाराती हैं और ना ही घर आती। खबरों की माने तो हादसे का शिकार हुए दूल्हे अमन सैनी को भी शादी ब्याह में फायरिंग का बहुत शौक है और कई बार इस बात को लेकर अमन का दूसरों से विवाद भी हो चुका था, लेकिन अब किसी और के टशन की वजह से अमन शादी की सेज की जगह अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया।
इसलिए इंडिया टीवी ने शादियों में फायरिंग करने वाले चेहरों को एक्सपोज करने की मुहिम शुरू की है, ताकि आपकी खुशियों का हश्र इन तस्वीरों की तरह ना हो। इसलिए बार बार आपसे एक ही अपील है, अपने आसपास ऐसी फायरिंग कतई ना होने दें, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां चलेंगी तो हादसा भी होगा और ये गोली आपके किसी अपने को भी लग सकती है। सुनील कुमार, इंडिया टीवी, हिसार।